मुजफ्फरनगर में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्रा का शव मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के करीब 1 किलोमीटर दूर गुजर रही डेडिकेटिक फ्रेट कॉरिडोर रेड लाइन नरा जरौदा के समीप मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने छात्रा की हत्या कर शव वहां फेंके जाने की आशंका जताते हुए हंगामा किया। छात्रा देर रात हॉस्टल से अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी दोस्त को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या को लेकर उलझ गई है। पूछताछ में छात्रा का सहपाठी दोस्त बार बार बयान बदल रहा है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा कृतिका चौहान औरैया के रहने वाले राहुल चौहान की बेटी है। गुरुवार देर रात छात्रा हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई तो उसका शव देर रात रेलवे लाइन से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं की निगरानी के लिए रोज रात करीब 9:30 बजे हेड काउंटिंग की जाती है। मेडिकल कॉलेज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रसन्नजीत ने बताया कि हॉस्टल में रोजाना रात को 9:30 बजे छात्राओं की गिनती की जाती है। गुरुवार को काउंटिंग हुई तो कृतिका मिसिंग थी। उसको फोन किया गया तो वो भी नहीं मिला। देर रात तक उसकी तलाश की गई और CCTV फुटेज में कृतिका अपने सहपाठी कुणाल सैनी के साथ बाहर घूमने जाती हुई दिखी और वापस नहीं लौटी। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने कॉलेज के लोगों के साथ मिलकर छात्रा की तलाश शुरू की तो हॉस्टल के पीछे से गुजर रही डेडिकेटिक फ्रेट कॉरिडोर रेलवे लाइन नारा जौरौदा के पास जंगल में उसका शव मिला। इस दौरान आशंका व्यक्त की गई कि छात्रा की ट्रेन से कटकर मौत हुई होगी। बाद में CCTV फुटेज के आधार पर छात्र कुणाल को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल छात्र से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र ने पहले ट्रेन से कटकर हुए हादसे में छात्रा की मौत की बात कही थी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो बार बार बयान बदलने लगा। कहा यह भी जा रहा है कि जहां छात्रा का शव मिला वो सुनसान जंगल का इलाका है और वहां जाने के लिए हॉस्टल से कोई सीधा रास्ता नहीं है। छात्रा के जीजा RS सेंगर ने आरोप लगाया है कि कृतिका की हत्या करके उसकी लाश को जंगल में फेंका गया है। आरोप है कि उसके साथ गए दोस्त ने उसका कत्ल किया है। वहीं पुलिस ने कृतिका के साथ पढ़ने वाले अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? सौरभ जी, क्या मामला हुआ है? आप लोगों को मुजफ्फरनगर बुलाया गया, क्या क्या डिटेल प्राप्त हुई आपको? कौन थी जो यहाँ पर बेगेश्वर मेडिकल में पढ़ती थी? बहन थी, छोटी बहन थी कृतिका चौहान जी। पिछले 6 महीने से फर्स्ट ईयर में थी, MBBS फर्स्ट ईयर में। उसका कोई मित्र था जी, वो साथ में लेके गया, उसी ने कुछ किया है मेरे ख्याल से। हो सकता है कि ये मर्डर ही हो। कब से वो यहाँ पर पढ़ रही थी? 6 महीने से। 6 महीने से क्या कोर्स वो कर रही थी यहाँ पर? MBBS तो फर्स्ट ईयर जी। फर्स्ट ईयर तो पुलिस की कॉल गई, क्या आपको पता चला? क्या आप लोग कार्रवाई जाते हैं, क्या आप लोगों को लगता है? तो कॉल ही लगाते रहे जी, बहन कोई उसकी कॉल नहीं पिक हुई। तो फिर उसके बाद 10 बजे उसी के फ़ोन को पिक किया तो इंस्पेक्टर साहब ने पिक किया। उन्हीं ने बताया कि ऐसे ऐसे इट्स एन एक्सीडेंट जी, आप लोग आ जाइए, सीरियस है। सीए था। कहाँ के रहने वाली हैं? वो अजीतमल डिस्ट्रिक्ट औरैया। क्या नाम था? क्या नाम था? सॉरी, नाम क्या था दीदी? कृतिका चौहान। ठीक। कल शाम थाना मंसूरपुर में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पुल है उसके पास एक युवती का शव बरामद होने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो ये युवती जो है वो जनपद औरैया की मूल रूप से रहने वाली है और जो मंसूरपुर में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे MBBS की प्रथम ईयर की छात्रा थी। अभी इस प्रकरण में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि ये युवती एक अन्य इसी कॉलेज के अपने सहपाठी के साथ यहाँ तक पहुँची थी और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। इसके संबंध में युवती के परिजनों द्वारा जिस युवक के साथ ये वहाँ तक गई थी उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी गई है, जिसके उपरांत थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। मैं प्रोफेसर RS सेंगर, आज ये मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में मेरी जो साली थी कृतिका चौहान उसका कुछ उसके सहपाठियों ने मार कर उसकी हत्या कर दी है। हमको पुलिस द्वारा सूचना दी गई क्योंकि ये रहने वाली औरैया
में जो अजीतमल जगह पड़ती है वहाँ की थी। जैसे ही हमको सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पाई गई है, हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस की सूचना के उपरांत पता चला कि उसकी डेड बॉडी प्राप्त की गई है, जिसमें कुणाल सैनी नाम का छात्र है। उसने इसको एक्सेप्ट किया है कि वो उसके साथ जा रही थी और जाते जाते वो रेलवे ट्रक के किनारे रेलवे की टक्कर के कारण गिर गई है, ऐसा उसने बयान दिया है। लेकिन उसकी डेड बॉडी को देखकर और घटनास्थल को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो कोई ट्रेन से उसकी टक्कर हुई है, क्योंकि यदि ट्रेन से कहीं टक्कर हुई होती तो उसकी बॉडी पर निशान होते और जो बॉडी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा होता। अब कौन सी छात्र MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा थी और इसी वर्ष इसने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। छात्रा बहुत ही मेरिटोरियस थी और उसका इस समय प्रथम ईयर में बहुत ही उच्च स्थान चल रहा था। हम ये चाहते हैं कि इस घटना का अच्छी तरह से इसकी तहकीकात की जाए और उसके उपरांत इसका पर्दाफाश किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे किसी भी बालक जो कि MBBS तक पहुंचता है कठिन मेहनत के उपरांत उसके साथ ऐसा हादसा हो। जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की लापरवाही है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस चीज़ की हम लोग मांग करते हैं।